ओम शांति। ओम शांति। तो सच्चे ब्राह्मणों की कितनी निशानी सुनी? पहली क्या निशानी थी? दूसरा, तीसरा, चौथा। सच्चा ब्राह्मण वो जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हो, अर्थात जिसके अंदर संपूर्ण पवित्रता हो। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का श्वास है। क्या है? और यदि श्वास ही चलना बंद हो जाए तो सोचो कितना बड़ा, देख बाबा ने इसकी वैल्यू बताई कि श्वास है। यदि किसी का श्वास ही रुक जाए तो जीवन कब तक? यदि हमारे जीवन में पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, हम शूद्र के समान हैं। तो इतना है पवित्रता की वैल्यू हमारे अंदर। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का आधार है, ब्राह्मण जीवन का नींव है, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, परमात्म मिलन का आधार है, परमात्म प्राप्तियों का आधार है, सुख शांति आनंद का आधार है। बाबा ने कहा यदि मनसा में भी दुख की फीलिंग होती है तो ये भी सूक्ष्म अपवित्रता है। बाबा ने तो यहां तक कह दी कि साधारण संकल्प चलाना ये भी सूक्ष्म अपवित्रता है। पवित्रता अर्थात उसके हर संकल्प बहुत समर्थ श्रेष्ठ होते जाएंगे। तो इतनी है वैल्यू हम देखें। बाबा के महावाक्य है यदि इस पवित्रता के मार्ग में कुछ कमी है, ढीलापन है, अलस अलबेलापन है, या हम सोचते हैं अरे सब चलता है, तो बाबा ने कहा अभी अपने आप को चलाना और फिर क्या होगा इसका रिजल्ट? हाय मेरा भाग्य कहकर के चिल्लाना। जो अभी अपने आप को चलाने की कोशिश करते हैं वो हाय मेरा भाग्य कह करके चिल्लाएंगे। बाबा ने कहा इस बात में बाप बाप के रूप में नहीं लेकिन धर्मराज के रूप में होगा। इस बात में रियायत दे नहीं सकता, चाहे वो मधुबन निवासी हो, सेंटर निवासी हो, गीता पाठशाला हो, घर गृहस्थी वाला हो। हाँ बाबा, वो फोटो भी है ना, जगह जगह प्रिंट आउट हर एक को मिला है। बाबा ने कहा दोनों कान खोल करके सुन लेना कि इस बात में बाबा किसी को भी नहीं छोड़ेगा, धर्म राज का भी साथ देगा। क्यों? जिस कारण ब्रह्मा बाबा ने कितना सहन किया, कितने ब्राह्मण लोग सहन किया, उस बात में ढीलापन रहा। अपना ब्राह्मण जीवन की नवीनता ही पवित्रता है ना, लोग इसी नजर से देखते हैं। अब सब तरफ से जो बाबा मुरली में कहते थे अब वो प्रैक्टिकल दिखाई पड़ने लगा कि चारों तरफ से लोग अब यही कहते हैं। हाँ, चारों तरफ से लोगों की बुद्धि हटने लगी, कहने लगे अब एक ही है कहीं है तो वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सबकी बुद्धि अब इस तरफ आने लगी है। और यही नहीं, बड़े बड़े महामंडलेश्वर मठाधीश, मैं तो ज्ञान सरोवर में देखता हूं कि बड़े बड़े महामंडलेश्वर दादियों के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और भरी महात्माओं की सभा में बोलते हैं कि हम लोग तो भगवान को ढूंढते रह गए लेकिन आप लोगों ने भगवान को पा लिया। बताओ ये है हमारे जीवन की पवित्रता की महानता। इसी कारण लोग हमें कितनी ऊंची नजर से देखते हैं, हमारे आगे नतमस्तक होते हैं। तो पवित्रता है तो सब कुछ है, पवित्रता नहीं तो कुछ भी नहीं। देखिए इतनी है हमारे अंदर। बाबा कहते बच्चे
बूढ़े बाप के दाढ़ी की लाज रखो, मैं तुमसे पवित्रता की भीख मांग रहा हूं, इसके बदले मैं तुम्हें पवित्र दुनिया का मालिक बना दूंगा, स्वर्ग का राज्य भाग दे दूंगा। क्या आप इस अंतिम जन्म में इस थोड़े से समय के लिए अपने जीवन को पवित्र नहीं बना सकते? जब दादियां कहानी सुनाती हैं तो उस समय एक समय था कि हम लोग खूब दादियों से कहानी सुना करते थे। कहते थे कि एक बार तो ऐसा आया कि जो वहाँ के बड़े बड़े मुखिया लोग थे सिंध में, वो सब कलेक्टर के पास गए और वहाँ पर उन्होंने एक संगठन बनाया, उसमें बाबा को भी बुलाया और सारे बाबा तो उसमें बहुत जानी मानी हस्ती थे, तो सारे लोगों ने बाबा से रिक्वेस्ट किया कि बाबा आपका ज्ञान बहुत महान है, बहुत ऊंचा है, लेकिन एक बात के कारण लोगों में थोड़ा सा लोगों के घरों में थोड़ा सा जो झगड़ा हो रहा है, आप ये और सारा ज्ञान दो, इसके बारे में आप नहीं सुनाओ, पवित्रता के बारे में नहीं सुनाओ और बाकी सारा ज्ञान दो। तो बाबा ने कहा, बच्चे मैं कहाँ सुनाता हूँ मैं तो सुनाने वाला, मेरे तन में वो आकर के सुनाता है। तो उन लोगों ने कहा, अच्छा बाबा वो आवे ना सुनाने तो उसको बोल देना कि सारा बात सुना करके जाओ लेकिन उसके बारे में नहीं सुनाओ। तो बाबा ने कहा, बच्चे वो भगवान है, परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान, गीता में उसी के महावाक्य हैं कि काम महाशत्रु है, वो पेज आप फाड़ के फेंक दोगे? हाँ, तो लोग सन्न हो गए। बाबा ने कहा, आप गीता को तो मानते हो लेकिन गीता की नहीं मानते, और हम गीता की मानते हैं, न केवल मानते लेकिन उस पर हम चलते हैं, उस पर हम उसको हम व्यवहार में लाते हैं, उसको हम कर्म में लाते हैं। एक बार गुलजार दादी हम लोगों का क्लास करा रही थी, उन्होंने कहा कि हमारा जो और संस्थाओं में जाना होता है तो वहाँ के लोग भी यही कहते हैं कि दादी आपके यहाँ भगवान आता है, बेशक इसमें कोई शक नहीं, भगवान का ज्ञान सुनाया जाता है, कोई शक नहीं, लेकिन एक बात के कारण थोड़ा लोग पीछे हट जाते हैं। वो बात आप छोड़ देना, वो बात नहीं सुनाएंगे तो सारी दुनिया की संस्थाएं टूटकर आप में मिल जाएंगे, आपकी संख्या करोड़ों में चली जाएगी। तो दादी ने कहा, नहीं मुझे करोड़ों की संख्या नहीं चाहिए, मुझे भेड़ बकरियां नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, शेर शेरनियां चाहिए, मुझे तो पवित्र आत्माएं, देवी बाबा पवित्र दुनिया की स्थापना कर रहा है, जो अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे वही तो पवित्र दुनिया में जाएंगी। तो बाबा ने कहा, हमें तो थोड़े से पवित्र आत्माएं चाहिए, क्वालिटी वाली आत्माएं चाहिए। तो हमें इस बात में रोज चेकिंग करनी है कि हमारी दृष्टि की, वृत्ति की, स्मृति की, कृति की, संबंध संपर्क की, खान पान की, स्वप्न की, रहन सहन की, संबंध की, हर प्रकार की पवित्रता हमारे जीवन में कहाँ तक आई है। संपूर्ण पवित्रता अर्थात निर्विकारी, जिसमें किसी भी विकार का अंश भी ना हो। और बाबा ने कहा, जहां अंश है वहां बाबा ने कहा इस अलबेलेपन में नहीं रहना, तेरी छोटी सी बात है, छोटी सी कमी है, मैं ठीक कर लूंगा, अंत में मैं बन जाऊंगा, पुरुषार्थ कर लूंगा। तो बाबा ने कहा है कि वही बात आप नोट करके रख लो कि वही बात जिसको आप छोटा कह रहे हैं, जिसको आप कुछ नहीं समझ रहे हैं, जिसको आप अलस अलबेलेपन में चला रहे हैं, अंत में वही बात आपको धोखा देगी, वही बात आपको हार खिलाएगी। इसलिए बाबा ने कहा, अपने आप को चलाना नहीं है, अपने आप को देखना है, क्या मैं सचमुच संपूर्ण परम पवित्र आत्मा बना हूं।
तो चौथी बात ब्रह्मचर्य अर्थात पवित्रता।